हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आप लोग को खुशी दिख रही होगी मेरे चेहरे पे, मैं कितनी खुश हूँ। तो कोई आ रहा है और उसी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। अभी खाना पीना बनाना बाकी है तो दोपहर तक आ जाएंगे, 12-1 बजे तक। तो बस उसके लिए खाना बनाना है और भी बहुत सारे तैयारी में। जब खुशी रहते हैं तो काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। खुशी में आदमी करने की कोशिश तो करता है जल्दी जल्दी, पर थोड़ा काम स्लो हो जाता है। कई बार मैंने फ़ोन भी कर लिया, कहाँ पहुँचे। तो बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आ जाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो रखी थी, उड़द की दाल है, ये रात में ही भिगो के रख दी है। और सबसे पहले मैंने सोचा दही बड़े बना लेती हूँ, क्योंकि इसको भिगो देते हैं ना तो अच्छे से, जब फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो दही बड़े जो होते हैं वो अच्छे से मतलब फूल जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो बिना छिलके वाली मार्केट से ही मैं ला के रखी थी वही भिगो दी हूँ। और इसमें डाल रही, थोड़ी सी अदरक डाली है और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, तो ये दाल के साथ ही पीस लेते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये हम लोग के यहाँ सिंपल वाले दही बड़े, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है टिटिम्मा, ये बन जाता है, आसानी से ही बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, अच्छा भी लगता है। और दाल पीसने के बाद उसको खूब अच्छे से फेंट लेना चाहिए। पानी जो मैंने रखा था उसमें, पानी में मैं डाल के देख लेती हूँ, पानी में जब हम दाल अच्छे से फेंट लेते हैं तो वो ऊपर आने लगती है, तब उसके जो दही बड़े बनते हैं वो बहुत फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। तो मैंने अच्छे से फेंट लिया है, उसके बाद ऐसे हल्का हल्का हाथों में पानी लगा के और बस इसको बना लेंगे। तो ये हमारे यहाँ मम्मी लोग ऐसे ही मतलब बनाती हैं दही बड़े और बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो मैं एक तो दही भल्ले बनाती हूँ उस तरह के, बच्चों को पसंद है, पर कभी कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ। तो ये इसको आप ऐसे छानते जाइए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। उसके बाद गर्म पानी, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गरम होना चाहिए, उसमें नमक डाल लिया है और गरम ही पानी में इसको डालते जाएंगे छान छान के, ये थोड़े से भीग जाएंगे गरम पानी में। और दाल में हम नमक नहीं डालते हैं, आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, पर इसमें नमक हम लोग ये नमक पानी में भिगो देते हैं तो वो आ जाता है टेस्ट। और जब हम नमक डाल देते हैं तो दाल थोड़ी गीली सी हो जाती है तो बनाने में थोड़ी मुश्किल होती, इसलिए नमक नहीं डाले तब भी अच्छा लगता है, अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से दही कर रही हूँ लेकिन गिरी गई छन्नी में, ऐसे डाल के करने से जो दाल में दही में थोड़ी सी बनी रहती है ना, उसको अच्छे से फेंटना होता है, तो फेंटने की बजाय ऐसे छन्नी में डाल के छानने से ना दही अच्छे से मिक्स हो जाती है, उसको फिर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी मैं दही बड़े या दही भल्ले बनाती हूँ तो दही को इस तरह से डाल के कर देती हूँ तो दही एक बराबर हो जाती है, फिर उसको अच्छे से वो मैश मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे लेकिन गिर गई थी उसमें थोड़ा सा, मैंने जैसे छन्नी में डाला तो गिर गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर वैसे भी रहेगी तब भी चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दही और पानी मिला के अच्छे से रख लिया, उसके बाद उसमें नमक और काला नमक जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ, वो काला नमक और ये वाला नमक, दोनों ही नमक थोड़ा थोड़ा डाल के मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ मैंने तवे पे डाला है थोड़ा सा जीरा, तो जीरा भूज के इसको पीस के डालेंगे थोड़ा सा, तो ऐसे भी टेस्ट लगता है। और यहाँ दीक्षा को भी मैंने कुछ काम बोला है, तो जब ज़्यादा काम होते तो मैं बोल देती हूँ तो ये हेल्प करा लेती, तो मैंने कहा तुम चावल डाल दो और चीज़ें मैं बना रही हूँ, तो चावल डाल दी थी। और बस यहाँ पे जब उसको पानी से निकाल के मैंने रख दिया था, जैसे जैसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप निकाल के रख देंगे, सीधे पानी से निकाल के आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने निकाल दिया था और उसमें नमक और वो दोनों चीज़ें मिला दी थी, और मिलाने के बाद इधर उस वाले में मतलब बूंदी जो आती है मार्केट से वाली बूंदी डाल दी है मैंने इसमें दूसरे वाले में, तो रायता भी बन जाएगा साथ ही साथ, दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और यहाँ इसको मैंने खलबट्टे को पोंछ लिया है और ये जीरा जो भूज रखा था तो इसको मतलब पीस लेंगे, तो बहुत महीन नहीं पीसना होता, बस ये है कि पीस जाए। और यहाँ पे दोनों में ही भूंजा हुआ जीरा डाल दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चटनी वगैरह जो हम लोग जैसे बनाते हैं भल्ले वगैरह, तो उसमें मीठी खट्टी चटनी सब और पता नहीं क्या क्या मतलब कई चीज़ें करती हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हो गया, इसमें जीरा डाल दिया था
पीस के, और हींग तो मैंने पहले से ही डाली। अगर हींग आप पहले नहीं डालते तो जैसे ये छौंक लगाने जा रही हूँ तो आप इसमें भी डाल के थोड़ा सा छौंक लगा देते हैं तब भी अच्छा लगता है। तो मैंने हल्की सी डाली थी, थोड़ी सी पीसते समय डाली थी, और थोड़ी सी जीरा, हींग और ये हरी मिर्च डाल दिया है, और इसको इससे लगा दूंगी छौंक। तो ये जो रायता है और जो ये दही बड़े हैं दोनों में ही ऊपर से छौंक लगा दूंगी, तो ये बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। और रख दूंगी, ये थोड़े से भीग जाएंगे तो अब इसमें और कुछ नहीं डालना है। और ऊपर से आप धनिया डालना चाहे तो गार्निश कर सकते हैं, और नहीं डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, बिना धनिया के भी बहुत अच्छा लगता है। और तो मेरे दही बड़े और रायता दोनों ही तैयार हो गया है, तो एक साथ मेरे दोनों काम हो गए। और उसके बाद ये बनाने जा रही हूँ पनीर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जीरा, थोड़ी सी हींग, उसके बाद तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, मतलब खड़े मसाले डाल दिए हैं। आपके पास अगर 1-2 नहीं हैं तो कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि सारे मसाले होने चाहिए, बन जाती हैं चीज़ें, तो मैंने डाल दी हैं। उसके बाद लहसुन डाला था, अदरक डाला था, फिर हरी मिर्च, फिर प्याज डाला था, थोड़ा थोड़ा सा भूनते हुए डालते जाना है बारी बारी से, और टमाटर डाल देना है। और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं थोड़े से काजू, और थोड़े से ये खरबूजे के जो बीज से आते हैं वो डाल दिए हैं, और इनको अब थोड़ी देर डाल देना है पकने के लिए। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक डालने से ये चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, टमाटर वगैरह जो हैं इसमें गल जाएंगे। और इसको डाल के अब ढक के दूंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे और दूसरे काम भी करते रहेंगे साथ ही साथ, तो हो जाएगा, थोड़ी देर पक जाएगा तो बंद कर देंगे फिर। तो बस हो गया है मेरा, पक गया है, और इसको निकाल लिया था पीसने के लिए। और उसके बाद इसमें डाल दिया है बटर कढ़ाई में, तो बटर डालने के बाद तो पनीर अच्छी भी लगती है, और ये सारी सब्जियों से जल्दी ही बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा बटर में। और उसके बाद ये जो पीस रखा था, ये पेस्ट जो मैंने बनाया था, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च, सब जो भूजा था उसको पीस लिया है। और पीसने के बाद अब बस इसमें डाल दिया है बटर, और लाल मिर्च डालने के बाद उसको भूज लूँगी। और उसके बाद इसमें आप मसाले डाल लीजिए, मसाले आप जो खाते हैं वो डाल लीजिए, नहीं तो धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा मतलब सब्जी मसाला, सब थोड़े थोड़े डाल देने हैं, मसाले जो भी आप खाते हैं वो डाल देना है। और इसको थोड़ा सा भूनना है अच्छे से, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, नमक तो पहले भी डाला था टमाटर के टाइम पे भी, तो नमक अगर डाल रखे हैं पहले से तो ध्यान से डालिए, हल्का सा ही डालिए। उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाली है इसमें मैंने, थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाली थी थोड़ा सा वो। और उसके बाद डाल दिया है इसमें, ये धुल के डाल दूंगी, जार वगैरह सब इसमें लगा हुआ है ना, तो ये साफ भी हो जाएगा, और हमारा पानी भी जो डालना है उस हिसाब से उसमें पड़ जाएगा। तो बस इसको डाल दूंगी, और यहाँ पे हो गया है। उसके बाद डाल दिया है इसमें मैंने पनीर, पनीर अपने जो शेप आपको पसंद है उस शेप में काट लीजिए, और ऐसे बिना फ्राई किए भी अगर अच्छी फ्रेश पनीर होती है तो अच्छी लगती है, वैसे आप फ्राई करके डालना चाहें तो वैसे भी डाल के बना सकते हैं। और अभी अच्छे से पक गया है, तो अभी बंद करने का टाइम हो रहा था, तो इसमें फ्रेश मलाई आप जो रखे हैं वो डाल दीजिए, इसमें 2 चम्मच बड़े बड़े मतलब अंदाज से डाल दीजिए फ्रेश मलाई लास्ट में, और थोड़ा सा फिर और पका के बस बंद कर दीजिए। तो पनीर हो गई है तैयार, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है ऐसी वाली पनीर। और जैसे ही मलाई डालने के बाद थोड़ा सा और पक गई है, तब उसमें डाल दी हूँ हरी धनिया, और बस तैयार हो गई है। तो मेरा रायता और वो दही बड़े तैयार हैं, चावल भी बन गया है, और बस रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए आ गए हैं ये लोग, तो कितनी खुशी, बच्चे भी इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि शादी के बाद से बोल रही थी बहन को आने का, आप लोग देखे तो होंगे ही, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं आना हुआ था। जब से हम लोग पहले आई थी, बहुत पहले आई थी, तब से अब आई है, तो बहुत ही खुशी हुई है, और बच्चे भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आने के बाद बस बातें चल रही हैं, और एक दिन का सफ़र होता है, रात में मतलब बैठे थे और दोपहर में यहाँ पे 1-2 बज गए थे,
तो वैसे ट्रेन लास्ट टाइम में 1-2 घंटे लेट कर दी थी, उसके बाद बस मैंने चाय बना ली है और मीठा पानी जो भी बिस्किट नमकीन वगैरह होता है वही दिया है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है तो हमने कहा पहले चाय पीना बनता है, तो चाय बनाई और सब कुछ। तो सीखा को बोली उधर बैठो, इधर क्यों बैठी हो, तो बस खूब हंसी मजाक हुआ, बातें हुई और बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे बस जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए तैयार नहीं थे, और मैंने पूछा भी था क्या बनाऊँ तो ये लोग बोल भी नहीं रहे थे, बोले कहाँ खाएंगे, भूख नहीं रहेगी उतने टाइम, मना कर दिया। ना मैंने सुबह फ़ोन करके पूछा कि क्या बना लूँ खाने में, पर किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैंने जो मुझे समझ में आया वो बना लिया है। तो दही बड़े, रायता और ये पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, तो ये सारी चीज़ें, बस सलाद, ये सब चीज़ें ले जाऊंगी। अब ये लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बातें कहाँ ख़त्म होंगी। फिर हम लोग काफ़ी देर बातें की और फिर ये हो गया है शाम का टाइम। तो फिर शाम को मैंने मना कर रहे थे कि मतलब 3:30 बज गए थे खाना खाते खाते, तो कोई कुछ खाने पीने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने थोड़े से चिप्स निकाल लिए, उसके बाद चाय बना ली और बिस्किट वगैरह। बस शाम को फिर सब लोग बैठ के थोड़ी देर मतलब बैठे ही रहे, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, बातें हो रही हैं, काम हो रहा है, बातें हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा समय कैसे बीता जा रहा है। और हो गई रात, रात के बज गए 10-11 बज गए हैं, और रात में ये बना रही हूँ मैं थोड़े से बनाना शेक। तो बस इसमें डाल लिए हैं केले, और उसके बाद इसमें डाल ली है चीनी, और थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसको चला लूँगी। तो ठंडियाँ हैं अभी, गर्मियाँ होती तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते थे तो अच्छा लगता है, लेकिन ठंडियाँ होने की वजह से मैं आइस वगैरह नहीं डालूँगी। बस चीनी और दूध डाल के अच्छे से इसको देख लेंगे, जब अच्छे से पीस गया है तब इसमें डालूँगी थोड़ी सी, मतलब तब इसमें थोड़ा सा दूध, जितना हमें डालना है उतना मेरे को एक जार पूरा भर के ही बनाना है, सबको थोड़ा थोड़ा देना है। कोई खाने पीने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं चलो दूध नहीं देती हूँ, बनाना रखा था काफ़ी, मैंने कहा बनाना से एक ही रात में पी लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया है फटाफट से, ये जल्दी से बन भी जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा बनाना शेक निकाल लिया है, और इन लोग से बार बार मैं यही पूछ रही हूँ, शाम को भी यही पूछती रही कि क्या खाने का मन है बताओ, वही बनाती हूँ। तब ये देखिए सबके लिए बस निकाल लिया है, और थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था तो मैंने कहा दूध भी डाल दूंगी, तो आज दूध की जगह यही देती हूँ। इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा आप डाल सकते हैं ऊपर से, ये अच्छा लगता है देखने में। तो बादाम मैंने सिर्फ काट के इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दिया है, और सारे काम हो गए हैं रात का, खाना पीना सबको खिलाने पिलाने के बाद, बर्तन वर्तन किचन सब साफ सुथरा कर लिया है, और तब उसके बाद ये बनाया है बनाना शेक और सबको मतलब दे दूंगी। तो कोई ले जाने के बाद कोई लेने को ही नहीं तैयार है, मैंने कहा नहीं भाई इतना मेहनत करके अब बनाई हूँ तो पी लो, अब क्या करूँगी, इसको बन गया है तो वेस्ट तो कर नहीं सकते, ले ही नहीं रहे थे। तो लेकिन जब कुछ दिन मतलब कुछ देर बोला, हंसा, थोड़ी देर बातें हुई, हंसी मजाक तो चलता ही रहता हम लोग का, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में कोई आता है इतने दिन से, मतलब ये होता ही है, ये होती है फैमिली का मतलब अलग ही कुछ इंजॉय होता है, साथ में बातें खाने पीने का हर चीज़ का अलग ही मज़ा हो जाता है, घूमने का भी। बच्चे तो इतने ही खुश थे कि जिसका कोई और, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बस लेट गई थी, मैंने कहा जाओ रेस्ट करो, तुम तबीयत नहीं ठीक है, काम कर लेती हूँ मैं, ज़बरदस्ती फिर इसको बोल दिया था, तो लेट गई थी ये थोड़ी देर के लिए। तो सबने बनाना शेक पी लिया, अभी मेरा बचा हुआ है, तो लीजिए आप लोग भी पी लीजिए बनाना शेक। और रात बहुत हो चुकी है, 11:15 हो रहे हैं, तो सोने का टाइम भी हो गया है, और जब कोई आ जाता है तो कितनी सारी बातें होती हैं, वैसे हम लोग 10:30 तक लेट ही जाते थे, और आज 11:15 हो गए हैं, अभी भी कुछ रह गया है, तो सोते सोते 12 ही बजेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।